बिहार में खेला चल रहा है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा नेता दूर हो गया। अशोक चव्हाण ने हाथ का साथ छोड़ दिया। इस खबर के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की बातें चल रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में हो गया खेला, अशोक चव्हाण ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। क्या चव्हाण थामेंगे बीजेपी का हाथ? सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर। आखिर अशोक चव्हाण जाएंगे किस और? कौन कौन हमारे संपर्क में है, इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच महाराष्ट्र में भी अब बड़ा खेला हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने हाथ का साथ छोड़ दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हर ओर चर्चाओं का दौर चल गया। अशोक चव्हाण ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को भेजे अपने पत्र में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कांग्रेस ही नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्य के रूप में भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन खेला सिर्फ इतना ही नहीं था। इस्तीफे के ऐलान के तुरंत बाद अशोक चव्हाण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो भी बदल लिया। पहले उनके बायो में CWC सदस्य और कांग्रेस पार्टी का नाम था, जिसे अब हटा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जन नेता है, उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में कांग्रेस का ऐसा चेहरा माने जाते हैं जो हर मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहे। ऐसे में अब अशोक चव्हाण का ये बड़ा ऐलान सियासी तूफान ले आया। अशोक चव्हाण के इस्तीफे की घोषणा अब तरह तरह की अटकलों को हवा देने लगी है। कहा जा रहा है कि अशोक चव्हाण बीजेपी से राज्यसभा जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ 10 से 12 विधायक भी पाला बदल सकते हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब महाराष्ट्र कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब चर्चा है कि चव्हाण बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं चव्हाण के बारे में ग्राफिक्स के जरिए। 2014 में नांदेड़ सीट से कांग्रेस को जीत दिलाई थी। राजनीतिक विरासत पिता शंकर राव चव्हाण से मिली। अशोक चव्हाण 8 दिसंबर 2008 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 9 नवंबर 2010 तक डेढ़ साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उनका नाम आदर्श इमारत घोटाले में सामने आया, जिसके बाद चव्हाण को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री पद जाने के बाद राजनीतिक वनवास शुरू हो गया। चव्हाण ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर वापसी की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। भारतीय राजनीति के हालिया मोड़ में कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि ये अटकलें पहले से लग रही थी, लेकिन पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और जोर देकर कहा गया कि प्रमोद कृष्णम पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे। वैसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे थे। उनकी तरफ से पीएम मोदी की भी तारीफ की गई थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार सार्वजनिक मंचों पर खुलकर राहुल गांधी का विरोध करते रहे। उन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी का समर्थन किया था। जहां कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस आला कमान पर भी कई आरोप लगाए। सरकारें आईं, कितनी सरकारें आईं, कितने प्रधानमंत्री आए, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, संत महात्माओं के बड़े बलिदान हैं, बड़ा लंबा संघर्ष है। लेकिन
अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर न बन पाता। बहरहाल कांग्रेस के चहेतों के इस्तीफों और ये बयानबाजी संकेत दे रही है कि राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं है कि महाराष्ट्र की सियासत में कब उबाल आ जाए, अब देखना होगा आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।